There actually can't be more quietude and peace than these banks of Ganga River in Haridwar's quaint little town of Kankar. And that is exactly what I did when I reached here, to find peace and tranquility when I started speaking to people on the mood of elections. Difference ki baat nahi karunga, but agar aap bahar se hain, to aapne dekha hoga sir, highways ka kya hai is time. टैक्सेस जरूर बढ़े हैं, बट आप देखिए रोड का क्या है यहाँ पे. रोड एकदम क्लीन रोड है. क्या अभी कोरोना काल के अंतर में सर, आप देखिए हर फैमिली को अनाज दिया है गवर्नमेंट ने. ऐसा नहीं है, 8-10 kg अनाज दिया है कार्ड पे. और कोरोना काल में जिस तरह से सरकार हमारी हेल्प कर सकती थी, उन्होंने करी है उस तरह से. और सबसे बड़ी बात सर, जो 70 years में नहीं हुआ अयोध्या में श्री राम मंदिर. देखिए रुझानों के हिसाब से देखा जा रहा है कि सतपाल ब्रह्मचारी जी कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, वो इस टाइम पे भारी मात्रा में आगे चल रहे हैं. सरकार का कहते कहते तो यही चल रहा है कि कांग्रेस की बननी चाहिए. नशा बहुत ज़्यादा हो गया है. जरा कनखल है, कनखल में आप कह रहे हो अखाड़े हैं, मंदिर है, सब चीज़ है. आप शाम को यहाँ अंधेरे में आइए, ये छोटे छोटे आले बने हैं, इसके अंदर छोटे छोटे लड़के स्मैक पीते हैं. मैं अपने घुमाने आता हूँ शाम के टाइम में, मतलब खुद भी सेफ नहीं लगता कई बार. अगर एजुकेशन में बोलूँ या अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में बोलूँ, बेसिकली केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में हरिद्वार लोकेशन, तो मैं उसमें तो बोलूंगी कि हाँ सुधार आया है. माहौल तो ऐसा है जी, बाकी तो बीजेपी चल रही है कि जो बात है पूरे उत्तराखंड में. अच्छा, बीजेपी की ज़्यादा सीटें आने के चांसेस हैं. अच्छा, लेकिन हरिद्वार में इस बार जनता बदलाव चाहती है मदन कौशिक के विरोध, क्योंकि मदन कौशिक ने नशे का व्यापार बहुत ज़्यादा फैला रखा है पूरे उत्तराखंड के अंदर, पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में. सीटें आएंगी कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी की अच्छी सीटें आएंगी. लेकिन हरिद्वार में 90% चांस जो है वो सतपाल ब्रह्मचारी जी के जीतने के. मेरे हिसाब से कि बीजेपी की एक लहर चल रही है, राइट. इफ़ यू टॉक अबाउट किसको, मतलब कौन आ सकता है, सो व्हाट आई बिलीव इज भाजपा, बीजेपी हैज़ द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी. द रीज़न इज भाजपा इज नॉट अ पार्टी ऑफ उत्तराखंड, बट दे आर डूइंग फाइन वर्क हेयर. दावेदारी जहाँ तक मजबूत है वो बीजेपी की ही लगती है. उसका कारण क्या है? वो पुराना है, 15-20 साल से लड़ रहे हैं, वो सब जानते हैं. बीजेपी. बोथ ऑफ यू. Both of you have been born and raised here in Rishikesh. For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.